नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 10 खबरों के लिए मैं हूँ आपके साथ रत्नाकर। हिमाचल प्रदेश के शिमला और मंडी इलाकों में रात 2 बजे से तेज बारिश हो रही है। चंडीगढ़ शिमला हाईवे चक्की मोड़ के पास लैंडस्लाइड की वजह से एक बार फिर ये रास्ता बंद हो गया। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए मध्य प्रदेश में उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में विशेष भस्म आरती की गई। इसरो के अनुसार चंद्रयान 3 आज शाम लगभग 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे हर निर्वाचन क्षेत्र को परख रहे हैं। बारामती के बाद कोल्हापुर, शिरूर, अकोला और बुल्ढाना लोकसभा क्षेत्रों की समीक्षा की गई है। देश की राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होने वाला है। यह महत्वपूर्ण समिट दिल्ली के प्रगति मैदान के नवनिर्मित स्टेट ऑफ आर्ट कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स में 9 और 10 सितंबर को आयोजित किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए साउथ अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग में हैं। निवेश के लिहाज से भारत के लिए यह सम्मेलन काफी अहम है, क्योंकि दूसरे देशों के मुकाबले 20 सालों में अफ्रीका में सबसे ज्यादा चीन ने निवेश किया है। शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म जवान की चर्चा हर तरफ हो रही है। वह दूसरी तरफ फैंस को डंकी का भी बेसब्री से इंतजार है। पठान के बाद अब शाहरुख खान जवान और डंकी के जरिए बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड सेट करने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। मध्य प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में हलचल तेज है। मंगलवार देर शाम को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की है। कयास लगाया जा रहा है कि इसी हफ्ते राज्य में कैबिनेट विस्तार हो सकता है। आज शाम 6:04 पर चांद पर भारत के चंद्रयान 3 की लैंडिंग होनी है। इसे लेकर सभी तैयारियां पूरी है। चंद्रयान की सफल लैंडिंग के लिए देश भर में पूजा पाठ और दुआओं का दौर जारी है, जबकि इस लैंडिंग की देश भर में लाइव स्ट्रीमिंग भी होगी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में लगातार बारिश हो रही है, इससे लैंडस्लाइड की भी घटनाएं हो रही हैं। कई जगह पेड़ गिरने से सड़कें बंद हो गई हैं। यदि आज की टॉप 10 खबरों का सिलसिला एनबीसी न्यूज पर लगातार चलता रहेगा, बने रहिए हमारे साथ एनबीसी न्यूज पर। नमस्कार।